दोस्तों, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाई छवि सर। चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ निशिम एजकील और इनकी पोयम ए पोयम ऑफ डेडिकेशन का लास्ट पार्ट, यानी पार्ट थर्ड। दोस्तों, इस पार्ट थर्ड में हम लोग बाकी के बचे हुए सभी एमसीक्यूज क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों, इसके पहले मैं निशिम एजकील की बायोग्राफी एंड वर्क्स को और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज के दो पार्ट अपलोड कर चुका हूं, और आपने दोनों पार्ट से लगभग 30 क्वेश्चंस को कवर किया था। जिस किसी ने भी ये वीडियोज ना देखे हों तो वह बीए 6 सेमेस्टर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड को, और पार्ट थर्ड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 31 क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। विच लैंग्वेज डज निशिम एजकील कंसीडर हिज सेकंड मदर टंग। ये क्वेश्चन कह रहा है ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो निशिम एजकील अपनी सेकंड मदर टंग उस भाषा को मानते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंग्लिश, यानी जो इंग्लिश भाषा है निशिम एजकील की सेकंड मदर टंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 32। निशिम एजकील वर्कड, निशिम एजकील काम किया करते थे इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में। मतलब ये पोएट होने के पहले, ये राइटर होने के पहले, ये एसेइस्ट होने के पहले एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। तो वहाँ कौन सी फैक्ट्री थी, जिस फैक्ट्री में किसके रूप में ये काम किया करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैनेजर, यानी जिस फैक्ट्री में ये काम किया करते थे एज ए मैनेजर, एक मैनेजर के रूप में काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 33। हु इज रिनाउड एज अ पोएट इन एग्जाइल फ्रॉम हिमसेल्फ, यानी जो स्वयं से निर्वासित कवि के रूप में प्रसिद्ध है उसका क्या नाम है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब तो आप सभी के पास होगा, क्योंकि ये टॉपिक निशिम एजकील के ऊपर चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निशिम एजकील। अब क्वेश्चन नंबर 34। द ओपनिंग पोयम ऑफ निशिम एजकील्स सेकंड बुक ऑफ वर्स, यानी सेकंड बुक ऑफ वर्स की निशिम एजकील की जो ओपनिंग पोयम है, आपको उस पोयम का नाम बताना है। तो दोस्तों, तो सेकंड बुक ऑफ जो वर्स थी उस की जो ओपनिंग पोयम थी, उस पोयम का नाम है ए पोयम ऑफ डेडिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 35 क्वेश्चन पर। व्हाट इज द स्टाइल ऑफ निशिम एजकील्स पोएट्री। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निशिम एजकील की पोएट्री की स्टाइल क्या है। तो दोस्तों, निशिम एजकील के पोएट्री की स्टाइल थी कन्वर्सेशनल, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द टोन ऑफ द मोस्ट ऑफ निशिम एजकील्स पोयम। तो निशिम एजकील की पोयम्स की अधिकतर जो टोन होती थी वो क्या है। तो आपको टोन बताना है कि निशिम एजकील पोयम की टोन क्या है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी होती थी। क्वेश्चन नंबर 37। इन द ओपिनियन ऑफ निशिम एजकील विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन
एसेंशियल पार्ट ऑफ द पोएट्री, यानी इन द ओपिनियन ऑफ निसीम एचकिल के अनुसार, इनके मत के अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ पोएट्री। पोएट्री का जो एसेंशियल पार्ट था, जो आवश्यक हिस्सा था, वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर्म। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो फॉर्म होता है वो पोएट्री का एसेंशियल पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच ऑफ हिज पोयम, अपनी किस पोयम में निसीम एचकिल टॉक अबाउट लव एंड सेक्स, उन्होंने लव और सेक्स के बारे में बातें करी, तो ऐसी कौन सी पोयम है? उस पोयम का नाम आपको बताना है, तो उस पोयम का नाम था 60 पोयम्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो पोयम है 60 पोयम, पोएट्री का एक कलेक्शन है, और इस पोयम में इन्होंने लव और सेक्स के बारे में बातें की हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ रेस ऑफ निसीम एचकिल। निसीम एचकिल की ओरिजिन ऑफ रेस आपको बतानी है कि ये किस ओरिजिन से थे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब तो शायद आप सभी के पास होगा, बेन इज़राइल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द थीम ऑफ एचकिल्स पोएट्री इज, निसीम एचकिल की पोएट्री की थीम क्या है? तो दोस्तों, निसीम एचकिल की पोएट्री की जो थीम है वो लाइफ इन द सिटी, यानी सिटी में जो लाइफ है, यही इनकी पोएट्री की थीम हुआ करती थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 41 के ऊपर। बिसाइड राइटिंग पोएट्री, यानी पोएट्री को लिखने के अतिरिक्त, निसीम एचकिल ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ, इन्होंने पोएट्री तो लिखी ही लिखी, लेकिन इसके अतिरिक्त इन्होंने और क्या लिखा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्लेज, यानी पोएट्री के अलावा इन्होंने प्लेज भी लिखे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, एचकिल्स बिकेम वन ऑफ द पायोनियर, पायोनियर का मतलब होता अन्वेषण करना, ऑफ ए टाइप ऑफ इंडो एंग्लियन पोएट्री नोन एज, किसके रूप में ये जाने जाते हैं? यानी निसीम एचकिल बिकेम वन ऑफ द पायोनियर, एक अन्वेषण थे, अन्वेषण के रूप में थे इंडो एंग्लियन पोएट्री के, और नोन एज, और ये जाने जाते थे तो न्यू पोएट्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निसीम एचकिल हैज सो फॉर पब्लिश्ड डैश, यहाँ आपको फिल करना है करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, कलेक्शंस ऑफ पोयम, मतलब पोयम के कितने कलेक्शन इन्होंने पब्लिश्ड किए थे। तो दोस्तों, इन्होंने टोटल 6 कलेक्शन ऑफ पोएट्री पब्लिश करी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44, ए पोयम ऑफ डेडिकेशन इज अ पोयम ऑफ, ये जो पोयम है अ पोयम ऑफ डेडिकेशन इज अ पोयम ऑफ, कैसी पोयम है? तो दोस्तों, शायद ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आइडेंटिटी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट 45, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ एचकिल्स पोयम, एचकिल की पोयम की भाषा क्या है? अ पोयम ऑफ डेडिकेशन, मतलब इनकी ये जो पोयम है अ पोयम ऑफ डेडिकेशन, इस पोयम की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? तो इस पोयम की जो लैंग्वेज थी दोस्तों वो थी कन्वर्सेशनल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, ये था आपका पार्ट 3। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। दोस्तों, वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक
आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।